नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा भूतिया से बिल्कुल खौफनाक से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो सचमुच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और डरावना वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में त्यासा नाम की लड़की की एक बहुत ही खौफनाक कहानी हम लोग लेकर आ गए हैं। इस लड़की के परिवार में कुछ ऐसा बीता जिसे कल्पना कभी किसी ने किया ही नहीं था, केवल एक सपने की वजह से। एक सपना ऐसा जो कि मनुष्यत लेकर आ गया, या फिर ऐसा कह लो जो कि मनुष्यत के आने का संकेत दे रहा था। कई बार सपने ऐसी चीज होते हैं ना जिसे समझना बड़ा मुश्किल सा पड़ जाता है। समझ में नहीं आता है कि ये निगेटिव इम्पैक्ट वाला सपना है या फिर निगेटिव समय को दर्शाने वाला सपना है। इसलिए कुछ चीजों को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा इस सपनों की दुनिया की गुत्थी के बारे में। दरअसल त्यासा अपने एक रूम में, अपने घर में, मतलब उनका एक बड़ा सा घर था, उस बड़े से घर के कमरे में अकेले सोया करती थी। दूसरे कमरे में उसका छोटा भाई सोया करता था और जो अलग कमरा था उसमें मॉम डैड सोया करते थे। एक रात को अचानक से त्यासा के मोबाइल में उसके भाई को कॉल आया। भाई घबराई हुई आवाज में कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मेरे बेड में मेरे पैरों के पास कोई बैठा हुआ है, मैं अभी अपना सर अपने ब्लैंकेट के अंदर डालकर तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में मुझे यहाँ पर आकर बचा लो। त्यासा को लगता है कि भाई बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, सपना देखा है, डरा हुआ है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बात कर रहा है। एक्चुअल में उस लड़के का रूम जो है वो तो अंदर से बंद है, भाई का रूम तो अंदर से बंद था तो कोई ऐसे कैसे घुस जाएगा, और उसके रूम से पहले त्यासा का रूम आता था तो पॉसिबल नहीं था किसी का घुसना। फिर भी त्यासा इग्नोर करके फोन काट देती है। एग्जैक्टली 10 मिनट बाद फिर से भाई अब रोने वाली आवाज में कह रहा था कि जल्दी आ, मुझे बचा ले वरना ये मुझे मार डालेगी। त्यासा ये सुनकर थोड़ी घबरा जाती है, सोचती मैं जाकर देखती तो हूँ। भाई के कमरे की तरफ बढ़ती है, भाई के कमरे का दरवाजा जैसे ही खोलती है तो ये पाती है कि उसके बेड में तो कोई था ही नहीं। असल दरवाजा अंदर की तरफ से ही बंद था, यहाँ पे वो जो की वाला सिस्टम होता है वो की बहन के पास थी इसलिए वो बाहर से दरवाजा खोल ली होती है। किसी को नहीं पाती, बोलती देख कोई भी नहीं, कीज तो मेरे पास है, दरवाजा अंदर से बंद है तो कोई कैसे आ गया। भाई बोलता है कि नहीं पक्का कोई था, मुझे बहुत ही गंदा सपना आया, बहुत ही बेहुदा सपना आया जिसके बाद मेरी जैसी आंखें खोली और आंखें खोली तो मैंने ये पाया कि मेरे पैरों के पास कोई डरावनी हुई शक्ल वाली औरत बैठी हुई है। ये बात बहन सुनती है, सोचती है कि ये बुरा सपना ही था, भाई समझ नहीं पाया, इग्नोर करके सोने चले जाती है। एग्जैक्टली अगले दिन बहन यानी कि त्यासा को भी बहुत बुरा सपना आता है, बहुत ही ज्यादा डरावना सपना। अचानक से उसकी आंखें खुलती है रात के 1:50 में। जैसी आंख खुली पैरों के पास दिखाई दी एक बूढ़ी सी औरत जो बड़ी ही अजीब सी शक्ल लेकर उसकी तरफ ध्यान से देख रही थी, मानो कि वो उससे कुछ कहना चाह रही हो लेकिन कह नहीं रही हो। ये चीज देखकर त्यासा बहुत ज्यादा घबरा जाती है, हड़बड़ाकर उठती है और पूछना चाहती थी कि आप कौन हो, लेकिन इतने में ही वो औरत गायब सी हो जाती है। अब त्यासा इस चीज को सोचती है कि शायद ये भी मेरा वहम था, कल भाई ने ऐसी ऐसी बातें किया था तो वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गई और मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, शायद मैं इतनी ज्यादा डर गई थी जिसकी वजह से मुझे मेरे साथ भी ऐसी हरकतें चालू हो गई है। इग्नोर करके सो जाती है। अगला दिन आता है, उसकी रात आती है, सेम टू सेम सपना दिखाई देता है और एग्जैक्टली फिर से 1:50 में उसकी आंखें खुलती है और पैर के पास कोई औरत बैठी हुई थी, इस बार औरत कोई और थी। अगले दिन सुबह उठकर जब भाई के साथ ये बातें डिस्कस होती है तो भाई जो बताता है उसे सुनकर ये बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि सेम टू सेम चीजें भाई के साथ भी हो रही थी। और ये लोग घर पे ये सब बात इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि उसके डैड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, सोचते हैं कि अगर मॉम डैड को ये सब बातें बोलेंगे उनको भी फालतू टेंशन होगा, मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होगी, और उसके बाद से उसका भाई भी उसके साथ ही सोने लगता है। एक्चुअली जो डैड की तबीयत खराब होना शुरू हुई वो उसी दिन से शुरू हुई जिस दिन से भाई को वो गंदा सपना आया और भाई को वो अपने पैर के पास कोई बैठी हुई दिखाई दी थी। अब दिनों दिन हालात बद से बदतर हो रहे जा रहे थे, मतलब घर वालों की स्थिति और भी ज्यादा खराब, पिताजी की और भी ज्यादा तबीयत खराब होती जा रही थी। आने वाले 10 दिनों तक दोनों भाई बहन के सपने बुरी तरह से बिगड़ते चले गए और 10वें दिन इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, जिसे ये लोग सहन नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा दुख में चले जाते हैं। आने वाली 2-3 रातों तक तो सोते नहीं है, लेकिन जब सोते हैं तो फिर से उन्हें एक बुरा सा सपना दिखाई देता है। लेकिन ये बुरा सा सपना पूरा एक्चुअल में बुरा नहीं था, उनके सपने में उनके डैड आते हैं
और जिस कपड़ों में उनकी डेथ हुई थी वही कपड़ों में उनके सपने में आए और उनसे बात कर रहे थे। ये लोग ये सपना देखकर थोड़े घबराए भी, थोड़ी सोच में भी चले गए, उनको खुशी भी हुई लेकिन डर ज्यादा लगा, क्योंकि ये सपनों का सिलसिला उस दिन से चालू था, बुरे सपने आ रहे थे और यही टाइमिंग में उनको फिर से सपना आया। आज डैड का सपना देखने के बाद एग्जैक्टली 1:50 में फिर से तियाशा की नींद खुली और फिर से पैरों की तरफ कोई औरत बैठी हुई थी और वो औरत हूबहू इसके डैड की तरह ही कपड़े पहनी हुई थी। ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई और तुरंत अपने बेड को छोड़कर चिल्लाकर उठ जाती है। अब उसके चिल्लाने की वजह से पूरे घर वालों को ये बात पता चल गई। भाई आया, भाई ने भी सेम टू सेम कुछ ऐसा ही देखा था। दोनों मिलकर अपने परिवार वालों को ये बात बताते हैं लेकिन परिवार वाले इनकी बातों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह की बातों पर तुरंत ट्रस्ट करना, क्योंकि लोगों को लगता है कि पैरानॉर्मल दुनिया होती तो है भले लेकिन इतनी आसानी से दुनिया के सामने नहीं आती है। अब ये बात उनकी इग्नोर करते चले जाते हैं। बुरे सपने देखना, किसी और की मौजूदगी फील होना और बुरी बुरी सिचुएशंस क्रिएट होना लाइफ में दोनों के लिए अब आम बातें हो चुकी थी। अब ये लोग बड़े थक हार कर अपनी एक आंटी से बात डिस्कस करते जो इनकी थोड़ी क्लोज थी। आंटी इनकी बातों को समझती है, बोलती है कि रुको मैं ये सारी चीजों के ऊपर विश्वास करती हूँ, एक्चुअली मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है पास्ट में जिसकी वजह से मुझे पता है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है। मैं एक पंडित जी को जानती हूँ, अगर उन पंडित जी के पास हम लोग जाएंगे तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी तुम लोग ठीक हो जाओगे। पहले तो तियाशा को ये आंटी लेकर जाती है पंडित जी के पास। पंडित जी बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं उनकी, एक पूजा अर्चना करते हैं और एक ताबीज दे देते हैं। कहते हैं कि ये ताबीज को अपने साथ हमेशा रखना, धारण करके रखना, 21 दिनों बाद ये परेशानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब जिस दिन से तियाशा ने ये ताबीज पहनी उस दिन से ये जो बुरी सिचुएशंस थी वो धीरे 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 करके कम होती चली गई और एग्जैक्टली 22वें दिन ये जो बुरे सपने आ रहे थे वो अच्छे सपनों में तब्दील हो गए। और 1:50 में जो रेगुलरली इतने दिनों से नींद खुल रही थी वो भी नहीं खुली। और जो तियाशा के डैड थे वो इन दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, इसकी वजह से वो उसके भाई के सपने में 1-2 बार और आए थे, लेकिन इस बार उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा और उसको बहुत अच्छा फील हुआ। उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे डैड मुझसे प्यार कर रहे, सपने में हम लोग को प्यार दिखा रहे हैं, ऐसा उसको फील हुआ था। और उसके बाद से उसके डैड को जो वो लोग सपने में देखते उसके बाद उठते थे तो अचानक से उनको बेड पे कुछ खतरनाक चीजें दिखती थी, खतरनाक स्पिरिट दिखती थी, वो सब दिखनी बंद हो गई थी, लेकिन डैड कभी कभी सपने में आते थे। लेकिन अब ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी क्योंकि उनके डैड ही थे आखिर। लेकिन किसी और की एंटिटी फील होना ये बड़ी ही अजीबोगरीब चीज हो जाती है। और वो लोग मतलब बोल रहे थे कि ये सब चीजें उनके साथ जब हुई थी वो वक्त बहुत ही ज्यादा खराब था, इसीलिए आप लोग भी कभी आपके साथ ऐसी चीजें होती है तो थोड़ा ध्यान दो, मतलब ऐसे इग्नोर मत करो कोई भी चीजों को इतनी आसानी से। बेशक किसी के लिए ये सारी चीजें अगर किसी के साथ हो जाए तो बहुत ही बुरा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और इस वाक्य से हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि क्या होता है ना भाई, जब कभी भी आपको कोई सपना दिखाई देता है उस सपने का कोई मतलब नहीं निकल रहा ना तो भी उस सपने का सेंस निकालने की कोशिश करो। क्या पता कोई सपना आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, किसी चीज से सतर्क करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि जो सपनों की दुनिया होती है ना ये बिल्कुल हमारे साथ ही चलने वाली एक दुनिया होती है जो समय समय पर हमें अच्छे बुरे का संकेत देती रहती है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने सपनों के ऊपर ध्यान देते होंगे और आने वाली सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहते होंगे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।